वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूँ। आज हम फोटोशॉप में पढ़ने वाले हैं इरेजर के बारे में, ये इरेज टूल के बारे में। इरेज टूल का मतलब क्या है भाई? अगर आपको कोई किसी भी लेयर को, किसी भी इमेज को क्या करना है, इरेज करना है, क्या करना है, इरेज करना है, तो आप इरेज मतलब इरेजर का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज को इरेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इरेजर है, इरेजर टूल को हम क्लिक करेंगे। ये हमारा सिंपल इरेजर टूल आया, इरेजर टूल। यहां से देखिए, जैसे अगर मुझे इसको इरेज करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां ये इरेज करने के बाद ये ऐसा रेड कलर क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिंपल इरेजर है, और सिंपल इरेजर से अगर हम किसी बैकग्राउंड लेयर को अगर इरेज करते हैं तो आपका जो बैक कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, वो यहां आएगा, समझे? और ये क्या है, बैकग्राउंड लेयर। कौन सी है ये? बैकग्राउंड लेयर। तो मुझे क्या करना है, इरेज करना है, और आपको लगता है ऐसे कलर नहीं चाहिए या कोई दूसरा कलर चाहिए, तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर में से, बैक कलर में से, व्हाइट कलर मैंने ले लिया, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। अब आपको लगेगा कि इरेज हो रहा है, एक्चुअली वो हो क्या रहा है, व्हाइट कलर आ रहा है, समझ में आए? और ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर किसी चीज को इरेज कर रहे हैं, समझे? अब ये चीज मैं एक काम करता हूं, इसको जरा कैंसिल कर देता हूं। अब इसी इरेजर का इस्तेमाल हम किसी लेयर को लेके करेंगे, क्या करेंगे, किसी लेयर को लेके। मैं एक काम करता हूं, इसमें से इसी चीज को, मतलब इस फेस को कॉपी करके पेस्ट करता हूं। तो जैसे मैंने कॉपी और पेस्ट किया, यहां एक न्यू लेयर आ गई, क्या आ गई, न्यू लेयर, और उस न्यू लेयर के ऊपर फेस आ गया। देखिए यहां एक काम करता हूं, पिक टूल लेता हूं या मूव टूल लेता हूं, और इसको मैं साइड में रखता हूं। अब मुझे इसमें से कुछ इरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल लेंगे और यहां से इरेज करेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, किस लेयर को इरेज कर रहा हूं, लेयर वन को। तो अब क्या कलर आ रहा है क्या यहां, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर नहीं है। तो अगर आप किसी लेयर को इरेज करते हो बैकग्राउंड को छोड़ के, तो वो बराबर इरेज होगा, और अगर बैकग्राउंड पर लेंगे तो बैक कलर आएगा, क्या आएगा, समझ में आया, क्या कहा मैंने कि नहीं, ओके। चलिए फिर से देखते हैं हम, तो ये समझ में आया आपको कैसा होता है। चलिए ये इरेजर से इरेज हो गया, मतलब इस लेयर से इरेज हो गया है। अब ये लेयर मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, इस लेयर पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट, यहां क्लिक करेंगे डिलीट लेयर पर, यस, देखिए इरेज हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं, बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये क्या करता है कि भाई आपको जो भी इरेज करना है वो तो इरेज करेगा, और डायरेक्ट बैकग्राउंड आपको डिस्प्ले कराएगा। चलिए देखते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है और बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है। अंडू करता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन, मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, एक कलर में जितना है ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। जैसे मुझे बैकग्राउंड इरेज करना है, तो बैकग्राउंड पर सिर्फ क्लिक करो, क्या हो गया, इरेज हुआ। तो एक कलर में जितना है वो उसको इरेज करेगा, क्लिक करेंगे, देखिए इरेज किया, इरेज किया, समझे? चलिए एक काम करते हैं, ये इसके स्किन को जरा इरेज करते हैं, यहां क्लिक करता हूं, देखिए इरेज हुआ। सर फिर ये क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ा अलग कलर में था, समझ में आया, ध्यान में आया, नहीं। चलिए अंडू करता हूं, अंडू 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 अंडू, समझ में आया, ध्यान में आया। चलिए अब एक चीज मैं आपको, एक ऐसी चीज बताता हूं जो कॉमन है, हर आदमी वैसे ही सोचता है, शायद थोड़ा मतलब खराब लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन जो है वो है, और हम फोटोशॉप पढ़ रहे हैं, उस चीज को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे मतलब हमारा कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई किसी के भी कपड़े हम निकाल सकते हैं फोटोशॉप से, हाँ जो है कि फोटोशॉप से, अगर हमने देखा होगा बहुत सारे लोग इंटरनेट पर देखते हैं, कोई भी बिना कपड़े का है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी। तो कुछ लोगों को, जिनको नहीं समझता फोटोशॉप के बारे में, जिनको नहीं समझता कुछ चीजों के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अरे वो उसके कपड़े, यार ये फोटो है, इसके कपड़े निकाल बोला जरा। अरे कपड़े नहीं निकलते, कपड़े
नहीं निकलते, वो क्या करते हैं, जो बिना कपड़े का पर्सन है उसको वो दूसरे की जो चेहरा है, दूसरे का जो चेहरा है, फेस है, सिर्फ वो लगा देते हैं, और सामने वाले को क्या लगता है कि इस फोटो में से उसके कपड़े गायब किए। अभी हमने क्या किया, इरेजर से कपड़े तो गायब किए, देखते हैं इसके कपड़े गायब करते हैं जरा इरेजर से, ठीक है। ये क्लिक किया, क्या हुआ, कपड़े गायब हुए, अरे वो इरेज हो गया, इरेज होने से बैकग्राउंड में जो है वो दिखा। लेकिन जिनको नहीं समझता तो वो क्या समझते हैं कि फोटोशॉप में सब कुछ हो जाता है, कपड़े इरेज हो जाए, कपड़े इरेज नहीं होते, समझे। एक टूल हमने स्टैम्प क्लोन टूल पढ़े, उससे भी कपड़े इरेज नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल, आपको दिखाता हूं। अंडू, अंडू, कपड़े इरेज करना है, ये इरेज करता हूं, हा तो क्या करेंगे, स्टैम्प क्लोन टूल, ओके लिया, अल्टर दबा के, एक मिनट, छोटा हो गया रेजर, थोड़ा बड़ा करता हूं, फेदर वाला लेता हूं, ये बताया ना आपको ब्रश टूल के बारे में, फेदर वगैरह, चलिए थोड़ा बड़ा, ठीक है, अल्टर दबा के ये क्लिक करता हूं, भाई वो स्कीन आ रही है, कपड़े इरेज नहीं हो रहे, कुछ नहीं दिखेगा किसी को, सिर्फ वो स्कीन का कलर वहां आएगा। यह है, ये कॉमन है, ये मेंटेलिटी है, टेंडेंसी है, भाई आज इंटरनेट का जमाना है, हर किसी को ऐसा ही लगता है, समझे। तो एक टेंडेंसी है, होता नहीं है, क्या हो रहा है, वो वहां का कलर भाई वहां पेस्ट हो रहा है, समझे। तो कपड़े नहीं निकलते, सिर्फ हम इरेजर टूल से या उससे हम क्या करते हैं, सिर्फ वो पोर्शन डिलीट करते हैं, समझ में आया। चलिए अंडू, ओके। अब ये इरेजर टूल जो हमने लिया हुआ है, यहां से जो इरेजर हमने टूल लिया हुआ है, ये इरेजर कैसा है, राउंड वाला है, सर्कल वाला है। आप अगर चाहे तो इरेजर में ब्रश, मतलब ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसको ब्रश कहते हैं, क्या कहते हैं, आप चाहे तो ब्रश चेंज भी कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहां बहुत सारे आपको ब्रश मिलेंगे, देखिए दिख रहा है फेदर वाले ब्रश या अलग अलग ब्रश दिख रहे हैं आपको, तो आप यहां से अलग अलग ब्रश ले सकते हो। तो ये मैं ब्रश ले लेता हूं, ये वाला ब्रश, ब्रश को जरा बड़ा कर देता हूं, देखिए ब्रश चेंज हो गया, अब यहां क्लिक करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, बैक कलर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड में लिया हुआ है, समझे। तो आप जो चाहे वो ब्रश ले सकते हो, यही मैं स्टैम्प क्लोन टूल में लेता हूं, स्टैम्प क्लोन टूल, राइट क्लिक, ब्रश चेंज करता हूं, ओके, ब्रश का साइज चेंज करते आया। अब इसमें भी देखिए, अल्टर दबा के क्लिक करते हैं, समझे, तो समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये इरेजर समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब मैं आपको और एक टूल का इस्तेमाल बताता हूं, ये जो है इसे हिस्ट्री ब्रश कहते हैं। हिस्ट्री ब्रश का मतलब क्या है कि भाई अगर आपने कुछ भी किया है, कुछ भी किया है, जो भी किया हुआ है उसको क्लियर करना, गायब करना, कैंसल करना, अंडू से हम करते हैं वैसे ही हिस्ट्री ब्रश से भी करते हैं। चलिए तो बताता हूं आपको हिस्ट्री ब्रश, पहले मैं कुछ कर देता हूं, एक मिनट, ये इरेजर, ये लेयर वन आई ना, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, ये लिया हुआ है स्टैम्प क्लोन टूल, ठीक है, यहां से इरेजर ले लेते हैं, बैकग्राउंड इरेजर, चलो जो भी हो गया, गंदा हो गया, वापस जैसे का वैसा करना है। तो हमारे पास एक हिस्ट्री ब्रश टूल है, इससे आप जो चाहे वो क्लियर कर सकते हो। तो ये ब्रश आ गया, इसमें भी आप राइट क्लिक करके अलग अलग ब्रशेस ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है ले लीजिए, ये ब्रश है, बड़ा ब्रश है, मैं छोटा ले लेता हूं। अब यहां देखिए, बस इसको स्मज कीजिए, मिटाते जाइए, इसको घुमाते जाइए, देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, मतलब कैंसल हो रहा है, जो किया वो कैंसल हो रहा है,
समझ में आया? ओके तो ये हिस्ट्री ब्रश है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश में मैं क्लिक करता हूं, अच्छा एक फिर से इसको चेंज करता हूं, स्टैम्प क्लोन टूल, अल्टर प्रेस करके, ठीक है। मैं अब हिस्ट्री ब्रश लेता हूं, फिर से राइट क्लिक, ब्रश चेंज करता हूं, ये ब्रश है। अब मैं यहां से भी है, समझे? तो ये ब्रश लेके आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ब्रश जो भी आप लेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो ये ब्रश के बारे में, वैसे मैं आपको ज्यादा ब्रश टूल में बताऊंगा, जब मैं ब्रश टूल का इस्तेमाल करूंगा बताऊंगा। ये समझ में आया आपको कैसे करना? और नॉर्मल इससे करना है तो क्या करेंगे, ये नॉर्मल हम ले लेंगे यहां से। ओके समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से हम कर सकते। उसके बाद हिस्ट्री ब्रश में नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं हम, ये आया, मतलब ब्रश बड़ा आ गया आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इसमें देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जो इफेक्ट है ये कहां से आ रहा है, तो ये आपके आ रहे हैं यहां से। तो टाइट शॉर्ट मैं मिडल लेता हूं या लॉन्ग लेता हूं, देखिए बड़ा है। यहां से डब लेता हूं, है आप फिर से इसको बड़े इसमें कर सकते हो। तो आपको यहां से जो इफेक्ट देना है वो हिस्ट्री ब्रश से आप दे सकते हो। चलिए क्लिक करेंगे, फिर से हिस्ट्री ब्रश, फिर से कैंसिल, जैसे का वैसा आप यहां से। अच्छा ये जो हिस्ट्री ब्रश से हम कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, जितना आपने लिया हुआ है उतना ही, मतलब जितना ब्रश है उतना ही आ रहा है, जहां जहां आप घुमाओगे उतना ही आ रहा है। यही चीज आप कहां से कर सकते हो, विंडो में जाइए, यहां से हिस्ट्री पैलेट लीजिए, ये हिस्ट्री पैलेट आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये हिस्ट्री पैलेट आ गया। अब आपने यहां जो जो किया होगा सब आपको यहां दिखेगा, आप यहां से भी उसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे ऑप्शन आप लेते हो, हुआ समझे? यहां क्लिक करेंगे ओरिजिनल, और यहां आपने जो जो किया है वो सब आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी उसकी, और जिस हिस्ट्री को आपको क्लियर करना है यहां क्लिक कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो आप यहां से पूरे इसमें क्लियर कर सकते हैं, और यहां से ये ब्रश से आप क्या कर सकते हो, जितना आप चाहे उतने पोर्शन को भी आप हिस्ट्री से क्लियर कर सकते हो। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, और पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको नई वीडियो दिखाई दे। ओके और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।